व्लॉग चैनल और ये हमारा पहला व्लॉग है। आज ही हमने अपना चैनल क्रिएट किया है और आज है 26 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन की हमारी आखिरी मीटिंग और अभी चलेंगे घर। चलिए पैकिंग करते हैं, लेट्स गो। कंपनी का लैपटॉप लेके चलेंगे। ये हमारा पर्सनल लैपटॉप, घर जाने की खुशी। चलो गाइस पैक करते हैं, बंद करते हैं। गए हैं नीचे और कहाँ है अपनी गाड़ी हो रही। बहुत ही गंदी हो रखी है। देखो घर चल के धुलेंगे इसको भी। अभी के लिए तो सामान रख देते हैं और हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं और पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा भाई। यहाँ से पहले जाएंगे QA इन्फोटेक करके एक ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे हमारे एक दोस्त को उठाएंगे वहाँ से और फिर निकलेंगे घर के लिए। कॉल आया है ये टाइम पास करके, अभी देखते हैं क्या बोल रहा है ये। भाई ये तो क्रेडिट कार्ड भेज रहे, नहीं जी हमें। और ये हम पहुंच गए हैं उनके ऑफिस, ये वाला ही है। ओह ट्रक ने कवर कर दिया तो हम जा कर रहे हैं। आगे से यूटर्न लेके आएंगे फिर दिखाते हैं आपको। और वो लाल शर्ट में हमारा IT का यार है हमारे लिए कुछ खाने को लेके, और अब हम निकलेंगे घर के लिए। बस कुछ खाने को लाया हो वरना अंदर नहीं बिठाएंगे इसको। और ये भाई हमारे लिए समोसे लेके आया है। सॉस की पैकिंग देखो, अब खाएंगे सॉस, अभी खाएंगे समोसे। ओ भाई और ये समोसे आ गए हैं यार, तू अपने लिए नहीं लाया भाई, मेरे लिए एक नहीं, ये तो दो मैं खाऊंगा ना। और ये हमारे भूखे लोग, अब भाई खाते हैं समोसा। खुशबू बड़ी शानदार आ रही है समोसे की। और ये आ गया एम्बियंस मॉल। हमें हो गया 1.5 घंटा चले हुए और अभी तक 30 किलोमीटर आए हैं, इतना ज़्यादा जाम था। हम पहुंच गए हैं गुड़गांव और अभी डलाएंगे पेट्रोल। हमने लगभग 75 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं पेट्रोल पम्प। ये भारत कौन सा है, भारत पेट्रोलियम का है। बढ़िया चल रहा है भाई, कैश देख रहे हो हाथ में भाई के। तो मुंडी पर आनी कर ले भाई, सीख ना रही। फुल कर देना भैया। हाँ पेट्रोल। और आज है अगला दिन, रात को हम पहुंच गए थे घर। अभी सुबह के हो रखे हैं 9:30, जब हमारे घर जाने को तैयार। अभी इनको छोड़ के आएंगे महेंद्रगढ़ और उसके बाद ये चले जाएंगे। और गाड़ी की हालत हो रखी है ऐसी, आके हम ही धोएंगे इसको, बाहर नहीं धुलवाएंगे। और हम जा रहे हैं अभी महेंद्रगढ़ और इस पे जाएंगे। यहाँ पे पेड़ों की कटाई का काम चल रहा है।
फोर लाइन बनेगा अब ये रोड, ये तो पता नहीं बनेगा कितने टाइम में, मतलब बन जाए देखते हैं। जा रहा है बस का इंतजार, बस तो आ गई है बट ये जाएगी कहाँ ये नहीं पता। और ये नारनोली जाएगी और हमारे भाई साहब जा रहे हैं गए। चलो अब अपन भी चलते हैं घर, घर पहुंच गए भाई वापस। और अभी इसको साफ करते हैं, इसके मैट वैट निकालते हैं अंदर से, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। चलिए साफ करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। गाड़ी कर ली है मैंने वॉश, और वॉश करके मैं सो गया था यार। अभी उठाऊँ, अभी इसके मैट्स यहाँ वहाँ पड़े हैं, मैट्स डालते हैं इसमें। मैट्स वगैरह तो मैंने डाल दिए हैं, अभी इसमें थोड़ा डैशबोर्ड पे मिट्टी मिट्टी सी है और ये यहाँ पे गंदा हो रखा है, इनको थोड़ा सा साफ करते हैं और पॉलिश वगैरह मारते हैं। कहाँ पे है ये रखिए, कर लेता हूँ मैं फिर दिखाता हूँ आपको। यार अभी के लिए तो कुछ ऐसी हो गई है, साफ मैंने कर दी है, ठीक है काम चल जाएगा। अभी मैं मार्केट जाने का सोच रहा हूँ, देखते हैं दोस्तों दोस्तों से मिल के आएंगे, बहुत दिन हो गए स्कूल के दोस्तों से। चलो ये है हमारा स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, यहाँ से हमने ट्वेल्थ की थी, मतलब ट्वेल्थ तक की पढ़ाई मैंने यहीं से की है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा स्कूल। और ये गेट पे गार्ड हमें एंट्री करने देंगे या पता नहीं, लेट्स सी। ये है हमारा स्कूल, इसमें पढ़ते थे हम ट्वेल्थ तक। यहाँ पे पहले वाटर कूलर होता था जिसका अभी नामो निशान ही नहीं है। भाई ऑलमोस्ट खंडर हो गया है ये स्कूल। इसमें हमने ट्वेल्थ की थी, हाँ ये रूम नंबर 16, ये वाला नहीं, ये बायोलॉजी लैब किसी टाइम पे होता था, अभी तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है हमें। और ये झूले, बताओ क्या हो गया है इस स्कूल को। सब जगह घास ही घास है धुआं की तरह। सीढ़ियों की हालत देख रहे हो, चलो इन पेड़ों पे बहुत जामुन खाए हैं हमने, बहुत ही, अरे काट दिए गए हैं अभी तो, ये बहुत जामुन खाए हैं हमने इन पेड़ों पे। यहाँ बाहर छत पे बैठ के टेस्ट देते थे हम खुले में धूप में सर्दियों में। चलो हमारी क्लासरूम भी दिखाते हैं तुम्हें, एट्थ से लेके ट्वेल्थ तक हम एक ही क्लास में बैठे हैं। और ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे जामुन के पेड़ हैं। और ये है हमारी क्लासरूम, इसमें बैठते थे हम एट से लेकर ट्वेल्थ तक। अरे बेंचेस अभी भी हैं, ओह बच्चों भी रखा हुआ है।
अरे यार अभी फैन चलते हैं, तब हम थे तब नहीं चलते थे। और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है होमवर्क, जिसका भी है कर लेना भाई। ये हमारी क्लासरूम, और यहाँ इस वाली बेंच पे मैं बैठता था, मतलब इस पोजीशन पे बेंच चेंज हो गई है, बट यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस क्लास से। हाँ, और ये डस्टर से हम एक दूसरे को मारते थे और खेलते थे। ये है स्टेज, यहाँ इस ग्राउंड में हमारी प्रेयर होती थी। 10 बजने वाले हैं भाई, और मैं आ गया हूँ घर। वहाँ से स्कूल के बाद कुछ देर दोस्तों के पास चले गए थे और फिर बैठ गए थे, तो लेट हो गया है। अभी बजे 10, मैं पहुँच गया हूँ घर। भी चलते हैं अंदर। ठीक है गाइस, ये वाले ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक और इसको करते हैं एंड। कल करेंगे नया ब्लॉग स्टार्ट, और ये हमारा पहला ही ब्लॉग है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।